हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीतू। रेसिपी किचन विद नीतू में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए दही पूरी चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसे सभी लोगों को बहुत ही पसंद होता है। इसके साथ साथ मैं आपको पानी पूरी के लिए तीखा पानी भी बनाना सिखाऊंगी और खट्टी मीठी चटनी भी। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए, सबसे पहले हम इसमें इमली लेंगे और इस इमली को हम थोड़ा सा वॉश कर लेंगे। हमने 50 ग्राम के लगभग इमली लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने इमली को वॉश कर लिया है। अब हम इसमें गर्म पानी डाल देंगे और इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जो इमली है वो अच्छे से फूल जाए। तो ये देखिए फ्रेंड, 10 मिनट हो गया है। अब हम इमली चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, इमली अच्छे से फूल गई है। अब हम इमली का पल्व निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, इमली का हमने पल्व निकाल लिया। इसके साथ साथ हम गुड़ ले लेंगे। अब फ्रेंड चलते हैं इसे कुक करने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने कढ़ाई ली है। अब हम इसमें इमली का जो पल्व निकाला था इसको हम इसमें डाल देंगे। तो इसके साथ साथ हम इसमें गुड़ डाल देंगे। आप अपने अनुसार डाल सकते हैं इसे मीठा करने के लिए। तो बस हमें इसे 2 मिनट तक ऐसे मिक्स करते जाना है ताकि जो गुड़ है वो अच्छे से इसमें घुल जाए। तो इसको फ्रेंड कलर लाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, ऑरेंज। तो इसे मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, इस पर कितना अच्छा सा कलर आ गया है। तो फ्रेंड अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। तो अब इसमें हम 1/2 टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट डाल देंगे। इससे इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है चटनी में। तो अब फ्रेंड चटनी को थोड़ा सा थिक करने के लिए हमने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसका अच्छा सा घोल बना लेंगे और इसको हम इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो थोड़ी देर बाद ये देखिए फ्रेंड, अच्छा से ये थिक हो गया है, बिल्कुल बाहर जैसी चटनी बन के रेडी हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, अब तीखी चटनी तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने जार में धनिया लिया है, फ्रेश हरी धनिया। अब हम इसके साथ साथ इसमें डालेंगे पुदीना पत्ती, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब इसमें हम 3 हरी मिर्च को काट लिया है और लहसुन और अदरक को इसमें हम डाल देंगे। तो फ्रेंड इसके साथ साथ हमने 1/2 टेबल स्पून नमक लिया है और थोड़ा सा हम ब्लैक सॉल्ट डाल देंगे और थोड़ा पानी डाल के इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसे ग्राइंड कर लिया, चटनी बिल्कुल रेडी हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, अब पानी पूरी के लिए हम तीखा पानी तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए भगोने में हमने पानी लिया है। अब चलते हैं इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने एक जार लिया है। अब हम इसमें फ्रेश हरी धनिया पत्ती डालेंगे। तो फ्रेंड इसके साथ साथ हम पुदीना पत्ती डालेंगे, इससे जो पानी पूरी में तीखा पानी का जो टेस्ट होगा वो बहुत अच्छा आता है। तो अब इसके साथ साथ हमने हरी मिर्च को कट कर लिया, आप अपने अनुसार तीखा कर सकते हैं, और लहसुन अदरक को डाल दिया है। अब थोड़ा सा पानी डाल करके इसे ग्राइंड कर लेंगे हम। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये अच्छे से ग्राइंड हो गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने जो पानी लिया है, अब वो जो हमने चटनी तैयार करके रखी थी उसको हम इसमें डाल देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, बिल्कुल अच्छे से इस पर कलर आ गया है। तो अब हम इसमें 2 टेबल स्पून आमचूर पाउडर डाल देंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट डाल देंगे। अब हम इसमें अपने अनुसार नमक डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, अब इसमें हमने नमक डाल दिया है। तो अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, सभी इंग्रेडिएंट जो हमने डाले थे। तो फ्रेंड ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब 1 टेबल स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे, इससे इसका पानी पूरी में पानी का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें पानी पूरी मसाला डालेंगे 2 पैकेट। अब इसे मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से।
अब इसमें खट्टा करने के लिए पानी में 1/4 टाटरी लिया है, इससे पानी खट्टा हो जाता है, और हाफ लेमन लिया है। फ्रेंड आप टाटरी आपको इच्छा ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर मैं आपको बाहर एकदम स्ट्रेट स्टाइल में पानी बनाना सिखा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल रेडी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने बॉईल किए हुए 4 आलू लिए हैं, अब इसे थोड़ा सा हम मैश कर देंगे हाथ से। तो ये देखिए फ्रेंड मैश हो गया। अब इसमें हम ग्रीन चिली कट करके डाल देंगे और 1 टेबल स्पून हम रेड चिली पाउडर डाल देंगे। अब थोड़ा सा इसमें ब्लैक सॉल्ट डाल देंगे और वाइट सॉल्ट डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे और थोड़ी सी फ्रेश धनिया पत्ती डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो फ्रेंड ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। तो फ्रेंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने इसको बिल्कुल ऐसे डेकोरेट कर लिया रेडी कर। ये जो गोल गप्पे हैं फ्रेंड, इसे हमने घर पे बना के रेडी किया था। इसका वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब जो हमने आलू तैयार किया था, अब हम उस गोलगप्पे के अंदर इसको फिल करेंगे हम। तो फ्रेंड अब ये रेडी है, अब हम इसे गोलगप्पे में इसको आलू को फिल करेंगे। फ्रेंड इसी तरीके से हम सभी में फिल कर देंगे आलू को। तो फ्रेंड आलू अच्छे से फिल हो गया, इसमें हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। इसी तरीके से सभी गोलगप्पे में हमें प्याज डाल देना है। तो फ्रेंड ये देखिए, हमने मूली को ऐसे घिस लिया था कद्दूकस से, तब इसको हम इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड ये देखिए, हमने ब्लैक सॉल्ट लिया, इस पर थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल देंगे। तो फ्रेंड ये देखिए, हमने भुना जीरा पाउडर लिया, इसको हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने जो चटनी तैयार करके रखी थी खट्टी मीठी चटनी, उसको हम इसमें डाल देंगे। इसी तरीके से सभी में हमें डाल देना है चटनी को। तो फ्रेंड ये हमने जो ग्रीन चटनी तैयार करके रखी थी, अब उसको हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये जो दही लिया, इसमें हमें फ्रेश दही का यूज करना है, हमें खट्टी दही का बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो ये देखिए फ्रेंड, अब दही को सभी इसमें डाल देंगे हम। आज मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट स्टाइल दही पूरी चाट की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल जैसे आप बाहर खाते हैं। तो फ्रेंड अब इसमें हम थोड़ा सा टूटी फूटी डाल देंगे रेड, आप इसके साथ आप इसकी जगह आप अनार के दाने डाल सकते हैं। तो फ्रेंड अब हम इसमें थोड़ा सा फिर से रेड खट्टी मीठी चटनी डाल देंगे। थोड़ी सी ग्रीन चटनी डाल के इसे अच्छा सा डेकोरेट कर लेंगे हम। अब हम इसमें थोड़ा सा फ्रेश धनिया पत्ता डाल देंगे।
ये देखिए फ्रेंड, हमने हरा धनिया पत्ता डाल दिया, इस पर थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट स्प्रिंकल कर देंगे अच्छे से। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने भुजिया ली है, बेसन की भुजिया है, इस पर हम थोड़ा सा डाल देंगे तो इसका जो लुक होगा वो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल बाहर जैसे हम ठेले पे खाते हैं तो बिल्कुल उसी स्टाइल में हम आज इसको रेडी कर रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने ऊपर से टूटी फूटी डाल दी है तो बिल्कुल अच्छे से डेकोरेट हो गया है। तो मैं आपको एक पीस दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, आप एक पानी पूरी अच्छे से देख सकते हैं, इसका लुक देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।